Dear student, we will solve some question of chapter first numbers exercise 1, question number 8 and 9 in our previous video. हमने अपने पिछले वीडियो में जो कक्षा 5 का पहला अध्याय उसमें एक्सरसाइज 1 का जो 8वां और 9वां क्वेश्चन सॉल्व किया था. टुडे वी विल रीड क्लास 5 चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 9. आज हम जो कक्षा 5 है उसका जो दूसरा अध्याय है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जोड़ और घटाव उसके कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 के 1 to 9 तक वो सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9. तो क्वेश्चन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट एडिशन सॉल्व हल करें. हल कीजिए. सम एडिशन गिवन हियर एंड 1, 2, 3 एडिशन एंड 2 सब्ट्रैक्शन. दो जोड़ और दो घटाव यहाँ दी हुई है. सो लेट्स सी फर्स्ट एडिशन. सो 8 वन प्लस डिजिट एंड 1 प्लस डिजिट 6 एंड 3 9 एंड 1 एंड 0 1 4 एंड 3 7 एंड लास्ट एडिशन. सो आंसर 406 प्लस 313 इक्वल टू 719 एंड लास्ट लेट्स सी 9 एंड 3. सो 9 एंड 3 12 9 एंड 3 12. सो 12 इज टू डिजिट नंबर सो राइट यूनिट प्लस ओनली. सो टू फ्रॉम 12 एंड 1 क्रेडिट इन 10 प्लस डिजिट एंड 8 एंड 2 10 10 एंड 1 11. So 11 1 from 11 and 1 credit and 7 1 8 8 and 1 credit 9. So answer is 912. अब ये जो अपने पास हासिल की जोड़ आई है तो 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 आते हैं. तो 12 में हमें ये ध्यान रखना है इकाई का अंक यहाँ लिखना और जो ये 1 है दाई का अंक वो अगले अंक पर जो है क्रेडिट चला जाएगा हासिल का चला जाएगा. सो नेक्स्ट आगे 8 एंड 2 10 10 एंड 1 11 यानी 8 और 2 10 10 एक 11. तो 11 में दो अंक की संख्या तो 1 है जो इकाई का अंक है वो नीचे लिखा जाएगा और अगला जो दाई का अंक है वो अगली संख्या पर अगले नंबर पर जो हासिल का चला जाएगा. और 7 1 8 8 1 9. सो 9 अपना 100 प्लस पे आ जाएगा. सो 912. नेक्स्ट है 3 and 3. So 3 and 3, 6. And next, 5 and 3, 8. And 6 and 3, 9. So single digit आ रहे हैं अपने क्या और इसके अंदर एक अंक की संख्या आ रही है तो हासिल का कुछ होगा नहीं बिना हासिल की जोड़ रही है. तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो हम 6 होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9. एक एक अंक की संख्या आ रही है अपने. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन. सो एज यू नो we cannot subtract 9 from 0. 0 में से 9 नहीं घटा सकते हैं. So 0 takes borrow from 10 plus digits. So already 0 and 0 takes borrow from 7. So 7 remaining 6 and 0 plus 10. So 0 takes borrow from 10. So 10 and 10 plus 9. So 10 minus 9, as you know 10 minus 9 is 1 and 9 minus 9 is 0 and 6 minus 5 is 1. So 6 minus 5 is 1. जैसा आपको पता है यहाँ 0 में से 9 नहीं घटा सकते. So 0 है वो आगे से बोरो लेगा उधार लेगा. So 7 से जो है ये 0 बोरो लेगा यहाँ 10 हो जाएंगे या 6 रह जाएंगे. फिर यहाँ 10 हो गए 10 से ये 0 बोरो लेगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे यहाँ 9 ले जाएंगे. इधर से एक कम होगा लेकिन अगले अंक पे जो है 10 जुड़ेगा अगले अंक में 10 जुड़ जाता है. सो 10 माइनस 1 ये 10 माइनस 9 इज 1. 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा. इसी तरह नेक्स्ट है अपना. सो 7 माइनस 7 0 हमें पता है 7 में से 7 घटाते हैं तो 0 आता है. एंड We cannot subtract 7 from 5. हमें पता है 5 में से 7 नहीं घटा सकते.
So 5 takes borrow from 5. So 5 replace 4 and 5 15. 5 plus 10. एक भाई उधार लेगा ढाई का मतलब 10, तो 10 उधार लेगा 15 हो जाएंगे, 15 यानी 15, 15 में से 8 जाएंगे, 15 minus 7, 8 and 4 minus 2 equal to 2. तो आंसर इज 280. तो इसी तरह हमें ध्यान रखना 7 में से 7 घटा सकते हैं, तो 7 में से 7 जाता तो आता है 0. 5 में से आप 7 नहीं घटा सकते, तो 5 जो है अगले अंक जो सैकड़े का अंक है 5, उससे एक दाई उधार लेगा, तो 5 तो पहले थे एक दाई का मतलब 10 उधार लिए, तो 5 और 10 यहाँ 15 हो गए, यहाँ 1 कम हो गए, इधर 1 कम होगा लेकिन इधर 10 जुड़ेंगे, तो 5 की जगह 10 जुड़े 15 हो गए, 15 में से 7 गए 8 और 4 में से 2 घटाते हैं तो बचते हैं अपने पास 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. सो 6 में 3 नंबर्स है, 1 2 एंड 3 नंबर्स. सो 8 का चिन्ह लगा है, यानी तीनों नंबर को ऐड करना अपने को, और ऐड करने के बाद जो भी ब्लैंक्स कॉलम दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसमें फिल करना है. सो ऐड करना है इनको, तो ऐड करना है तो इनको अरेंज करना है कॉलम में सबसे फर्स्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन कॉलम, सबसे पहले इनको स्तंभ में अरेंज करते हैं. तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे 580 एंड नेक्स्ट है 27. सो फ्रॉम राइट साइड वन डिजिट बिलो वन डिजिट एंड 10 प्लस डिजिट बिलो 10 प्लस एंड थर्ड नंबर इज 6 306. So one plus digit below one plus and 10 plus digit below 10 plus digit and 100 plus digit below 100 plus digit and L. जैसा हमें पता है संख्या को किस क्रम में जमाते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम we will write first number. सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर इज 580 एंड देन सेकंड नंबर 27. तो वन डिजिट बिलो वन डिजिट, इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक, दाई के अंक के नीचे दाई का अंक लिखेंगे. इसी तरह नेक्स्ट 306, इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक, दाई अंक के नीचे दाई का अंक, और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक, और ऐड कर देंगे. सो 7 and 6 6 and 7 13. सो 13 इज टू डिजिट नंबर. सो 3 फ्रॉम 13 एंड 1 कर लीजिए 8 टू 10, 10 एंड 1 11. So 1 from 11 and 1 is credited. 5 and 3, 8, 8 and 1, 9. So answer is 913. So write first question answer 913. Next, our next question 7. So 473 subtract 296. 473 में से 296 घटाने अपने को, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटानी है, तो फर्स्ट नंबर को हम पहले लिखना, उसके नीचे सेकंड नंबर और लेस कर देना है. तो फर्स्ट नंबर 473 एंड सबट्रैक्ट 296. पहली संख्या में से दूसरी संख्या हमें घटा देनी है. एज यू नो 3 इज स्मॉल देन 6, 3 जो है 6 से छोटे हैं, सो वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 3. 3 में से 6 नहीं घटा सकते, सो 3 टेक्स बोरो फ्रॉम 7. तो 3 है वो 7 से एक उधार लेगा, इससे तो यहाँ रह जाएंगे 6 एंड 3 में 13, 3 की जगह 13 हो जाएगा. तो 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, और 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7. नेक्स्ट है 6 माइनस 9. हमें पता है 6 में से 9 भी नहीं घटा सकते, वी कैन नॉट सबट्रैक्ट, we cannot subtract 9 from 6. 6 में से 9 नहीं घटा सकते, तो 6 takes borrow from 4 and remaining 3 and 16. So 16 minus 9. So 16 minus 9 is 7. 16 में से 9 घटाएंगे तो आएंगे 7. And next our next 3 minus 2. So 3 minus 2 equal to 1. So answer is 177. So right. 177. And next is question number 8. Look at carefully. 364 plus 67 minus 199. ये simplification का question है, सरलीकरण का, जिसके अंदर एक से ज्यादा चिन्ह हो, addition, subtraction, multiply, division, तो उसको हम कैसे solve करें. तो इसमें हम देखें
के दो दो अंकों को साथ सोल्व कर सकते हैं अपन, पहले फर्स्ट और सेकंड को। तो 364 में हमें ऐड करना 67 और फिर इसमें से 199 को लेस करना, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से 199 को लेस करना, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट नंबर 364 एंड ऐड, ऐड का चिन्ह तो जोड़ेंगे, 364 में 67 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस 67। सो वन प्लस डिजिट बिलो वन प्लस डिजिट एंड 10 प्लस डिजिट बिलो 10 प्लस डिजिट एंड ऐड 7 एंड 4 11 7 एंड 4 11 1 फ्रॉम 11 एंड 1 30 7 4 11 1 फ्रॉम 11 एंड 1 30 6 6 12 12 and 1 13 so 3 from 13 and 1 30 and 3 and 1 4 so first हमने इन दोनों को ऐड किया है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट, दोनों ऐड करने पर हमें क्या आता है 431। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 199, so सब्ट्रैक्ट 199। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से 199, so देखिए we cannot subtract 9 from 1, और 8 में से 9 नहीं घटा सकते, so 9 1 that's borrow from 3, so 3 plus 2 and 1 plus 11, so 11 minus 9, 11 minus 9 equal to 2, 11 में से 9 गए 2 बचे, हमें पता 8 में से 9 नहीं घटा सकते, 1 3 से उधार लेगा, 1 से उधार लेगा 1 की जगह होगी तो 10 और 3 की जगह रह जाएंगे 2, 11 में से 9 जाएंगे बचेंगे 2 and next 2 minus 9, as you know we cannot subtract 9 from 2, जैसा हमें पता है 9 2 में से 9 नहीं घटाया जा सकता क्योंकि 2 छोटे 9 से, so 2 takes borrow from 3, so 4 replace 3 and 12 2 replace 12, तो यहां हमें पता है 2 में से 9 नहीं जाएंगे, 2 चार से उधार लेगा एक तय, तो यहाँ 12 हो जाएंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे, इधर एक कम होगा लेकिन इधर 10 बढ़ेंगे, तो 10 और 2 12, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 12 में से 3 गए बचे 3, एंड नेक्स्ट 3 माइनस 1, 3 में से एक गया बचे 2, तो आंसर इज 232, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 9, 37 minus 15 and plus 10, तो इसको हमें solve करना है, तो पहले 37 में से 15 less कर देंगे, subtract कर देंगे, घटा देंगे, तो 37 में से 15 घटा दो, और उसके पास जो आए, उसमें 10 add करना अपने को, so 37 minus 15, so 37 minus 15, so 7 minus 5, 7 में से 5 जाते हैं, कितने बचते हैं 2, 3 minus 1, 3 में से 1 घटाएंगे बचेंगे 2, so 22, अब 37 में से 50 less कर दिए, 37 में से 50 less की, अब जो अपने पास घटाने पे संख्या आई है 22, so 22 के अंदर हमें क्या ऐड करना है 10, so 10 को ऐड करना है, so plus 10 और ऐड करते हैं, so 2 and 2 and 1 3, so answer is 32, so answer is 32, तो हम ये देखा जो ये तो अपने पास अरेंज की हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों क्वेश्चनों में तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अरेंज करके दी हुई थी, लेकिन सिक्स से लेके नाइन्थ तक जो क्वेश्चन थे वो हमें सॉल्व करने थे, तो इसमें अच्छी तरह देखना अपने को, समझना है ऐसे क्वेश्चनों को, और फिर जो है ब्लैंक को हमें भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, तो जैसा हमें एक बार वापस में रिवाइज करवा देता हूँ कैसे करना है इनको, जैसा बताया मैंने कि यहाँ पहले सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स के अंदर जो तीन संख्या 1, 2 और 3 नंबर है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या दे रखी है अपने को, तीनों प्लस का चिन्ह है, तो तीनों को हमें कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है, तीनों को जोड़ना है अपने को, तो तीनों को जोड़ने पर अपने पास आया 913। इसी तरह सेकेंड नंबर में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं अपने पास, पहली संख्या में से दूसरी की संख्या सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, तो पहली संख्या ऊपर लिखी दूसरी संख्या नीचे लिखी और सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आंसर आए 177। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने
तो इसमें तीन संख्या थी, पहली और दूसरी के बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, और तीसरी दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में माइनस का। तो क्या करें, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर जो योगफल आता है उसमें से 199 हमने घटा दिया, तो अपना जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह जो नाइन्थ क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में सबट्रैक्ट का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और दूसरी और तीसरी के बीच में प्लस का। तो पहली संख्या में से दूसरी घटा दी हमने, और जो भी सबट्रैक्ट करने पर घटाव करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें हमें 10 जोड़ देने थे, तो 10 जोड़े तो हमारे पास जो संख्या आई वही 32। तो इनको अच्छी तरह समझना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, और इस तरह आपको नोटबुक्स में करना है वो भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज सबसे पहले जो नए पेज से हमें क्लास 5th चैप्टर 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन लेसन का नाम लिखना है, फिर एक्सरसाइज 2, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अच्छी तरह कॉलम से बीच के अंदर सब के अंदर हमें ध्यान रखना है कि दो दो कॉलम का जो गैप आना चाहिए, इसी तरह इन क्वेश्चन को फिल करना है। जो काम किया है वो रफली काम था, हमें सीधे नोटबुक में कह चाहिए आंसर लिखना है, इस प्रकार आपको रफ में करना है ये जो काम करना है, इस तरह बस नोटबुक में इस तरह अपने पास ये क्वेश्चन हल किए होने चाहिए।